नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको थायराइड रोग को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों थायराइड एक साइलेंट किलर बीमारी है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेती है। यह हमारे गले में तितली जैसे आकार की ग्रंथि होती है जो थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करती है। दोस्तों यह हार्मोन्स हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म और मूड को मेंटेन रखता है। दोस्तों जब इस हार्मोन्स का प्रोडक्शन हमारे शरीर में कम या ज्यादा होता है तो हमें अनेक प्रकार की व्याधियां आ घेरती हैं। दोस्तों थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसमें मोटापा बढ़ना या ओवरवेट, या हम कह सकते हैं कि ओवरवेट या अंडरवेट हो जाना, चक्कर आना, कमजोरी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, सांस फूलना, हार्ट बीट बढ़ना, त्वचा का रूखापन, महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इनफर्टिलिटी के लक्षण दिखाई देते हैं, हाथ पैरों का ठंडा पड़ना और आंखें बाहर निकल आना जैसे अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों इस थायराइड रोग के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण हार्मोनल असंतुलन का और तनाव का होना है। इसके अलावा शरीर में आयोडीन की कमी की वजह से भी समस्या उत्पन्न हो जाती है और वंशानुगत या जेनेटिक्स कारणों से भी थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों यह समस्या, थायराइड की समस्या ऐसी समस्या है जो कभी, यह समस्या किसी को भी किसी भी उम्र में कभी भी हो सकती है। दोस्तों इस समस्या से आजकल लगभग सभी वर्ग के व्यक्ति प्रभावित होते हैं। आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और इस थायराइड की समस्या को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि थायराइड की समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों थायराइड की समस्या थायरोक्सिन हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होती है। इस हार्मोन्स के असंतुलन के कारण हमारी बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ जाता है और हमें अनेकों प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे सबसे पहला अभ्यास, हम करेंगे ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं वह कठिन अभ्यासों को प्रैक्टिस न कर पाए तो वह इस ग्रीवा संचालन के अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। ग्रीवा संचालन के अभ्यासों को करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन में जिसमें आप 10 से 15 मिनट आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो, उस आसन पर आपने बैठ जाना है। फिर इसके बाद आपने अपनी गर्दन को पहले ऐसे राइट साइड ले जाना है, सेंटर में आना है, लेफ्ट साइड ले जाना है, ऐसे सेंटर में आना है। ऐसे ही आप इसे लेफ्ट साइड से अप डाउन 8 से 10 बार कीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने सिर को ऐसे गोल गोल घुमाना है, गले को टाइट करते हुए अपनी गर्दन को ऐसे गोल घुमाना है। ऐसे ही पहले आप इसे एक साइड से 8 से 10 बार कीजिए, फिर इसे विपरीत दिशा में आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। फिर विपरीत दिशा में अपने सिर को ऐसे घुमाइए, इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सिंहासन योग। दोस्तों इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रीवा संचालन के अभ्यास के बाद आप इस सिंहासन योग को प्रैक्टिस कीजिए। आपने ऐसे ही पद्मासन या इसे वज्रासन पर बैठकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपने ऐसे अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े होते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और बड़ा सा मुंह करते हुए सिंह की भांति दहाड़ करनी है। दोस्तों यह थायराइड, पैराथायराइड के रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है और जिन लोगों के गले में संक्रमण, खराश, मम्स की समस्या हो जाती है उसको दूर करने के लिए भी यह सिंहासन योग को आप 3 या 5 बार नियमित प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे करते हुए आपने बड़ा अपनी दोनों आंखों को भूमध्य क्षेत्र पर रखते हुए, अपनी दोनों आंखों से अपने भूमध्य क्षेत्र पर आपने देखना है और श्वास छोड़ते हुए आपने सिंह की भांति दहाड़ करनी है।
ऐसे ही इसे 3 या 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मत्स्यासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन पर बैठ जाना है। ऐसे पद्मासन पर बैठकर आपने धीरे धीरे पीछे को ऐसे लेट जाना होता है। ऐसे पीछे को लेट जाते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ के अंगूठे से और तर्जनी अंगुली से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपनी कुहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 सेकंड मेंटेन करके रखें, फिर इसे आप 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रख सकते हैं। जिन लोगों को गले में संक्रमण की समस्या हो जाती है, खराश की समस्या हो जाती है, खांसी सर्दी जुखाम, इन सभी रोगों को दूर करने के लिए इस मत्स्यासन को आप नित्य प्रति 2 से 5 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करते समय हमारे गले पर ऐसे अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है जो हमारे हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर धीरे धीरे अपने सिर को सीधा करते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मत्स्यासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए आप नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे रखना है, फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और धीरे धीरे अपने पैर के पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे और आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें। दोस्तों जब भी कोई अभ्यास आप करते हो तो उसे 30 सेकंड से मेंटेन करते हुए आप 2 मिनट या फिर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार अगर 2 मिनट से ज्यादा देर तक मेंटेन करके रख सकते हो तो मेंटेन करके रखें, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसे करने से थायराइड कंट्रोल में आ जाता है और आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस हलासना को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे सर्वांग आसन। से करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाना है और ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने अपने कंधों पर ऐसे रखना है। इस सर्वांगासन को करने से थायराइड कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे ही इसे पहले आप 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। पहले से 30 सेकंड होल्ड करके रखें, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही आप इसे मेंटेन करके रखें। इस अभ्यास को करने से थायराइड, पैराथायराइड, गले में संक्रमण, कफ की समस्या, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह सर्वांग आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग कि धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सर्वांग आसन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद आप चक्रासन को भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है, अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेना है और श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपनी गर्दन को ऐसे नीचे को लटका लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे
ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इन अभ्यास इन योगासनों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और उज्जायी प्राणायाम को भी 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर आप अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। फिर आपने कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए आपने श्वास को बाहर छोड़ना होता है। जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे आपका पेट अंदर को पिचकेगा। इस प्राणायाम को एक बार प्रैक्टिस कर लें। ऐसे ही इस अभ्यास को पहले आप 10 बार श्वास को बाहर छोड़िए, फिर 20 बार, फिर 30, 40, 50 तक श्वास को बाहर छोड़ सकते हो। दोस्तों इन प्राणायामों को बंधों के साथ भी प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन जो लोग योग में बिगनर्स हैं वह इन बंधों के साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इन प्राणायामों को सिंपल तरीके बहुत इन प्राणायामों का बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठकर आपने अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर को उठाना है और अपने राइट नॉस्ट्रिल को ऐसे बंद कर लेते हैं। फिर आपने सबसे पहले लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, फिर आपने लेफ्ट से श्वास को अंदर भरनी है, धीरे धीरे श्वास को अंदर भरनी है। कुछ देर श्वास को रोककर भी रख सकते हैं। फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। फिर राइट से श्वास को अंदर भरनी होती है, फिर राइट नॉस्ट्रिल को ऐसे बंद करना है। लेफ्ट से श्वास को छोड़ देना है। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इस अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपने लेफ्ट से श्वास को अंदर लेना होता है, राइट से छोड़ देना होता है, फिर राइट से श्वास को अंदर भरते हैं और लेफ्ट से श्वास को छोड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे उज्जायी प्राणायाम। इस उज्जायी प्राणायाम को करने के लिए भी आपने ऐसे ही पद्मासन पर बैठकर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे बैठ जाना है। फिर इस प्राणायाम को करने के लिए आपने उज्जायी प्राणायाम को करने के लिए गले को टाइट करके फिर सिकोड़ कर गले को श्वास आवाज करते हुए श्वास को अंदर खींचना है ऐसे। फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने छाती के पास ऐसे लगाना है, सीधे लगाना है। फिर श्वास को यथाशक्ति रोककर रखना है। जितनी देर आप श्वास को रोककर रख सकते हैं उतनी देर श्वास को रोककर रखें। फिर जब श्वास छोड़ने का मन हो फिर आपने अपनी पहले अपनी गर्दन को ऐसे सीधा करना है, फिर राइट वाले हैंड को उठाकर राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर बाईं से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही इस उज्जायी प्राणायाम को आप 3, 5, 7, 11 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों यह उज्जायी प्राणायाम को करने से गले के संक्रमण, गले में खराश, गले में इन्फेक्शन, जिन लोगों को टॉन्सिल्स की समस्या होती है या जिन जो लोग बहुत अधिक खर्राटे लेते हैं उनके लिए भी यह उज्जायी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी अभ्यास होता है। इसे करने से कफ दोष भी दूर होते हैं। दोस्तों थायराइड एक हार्मोनल डिजीज है, इस समस्या को दूर करने के लिए आप संतुलित आहार का सेवन करें, आयोडीन का सेवन करें और तनाव से बचने के लिए आप
इन योगासनों और प्राणायामों और ध्यान का अभ्यास भी प्रैक्टिस करें दोस्तों। इन अभ्यासों और इन प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से और संतुलित आहार के सेवन करने से आप थायराइड की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।